किसी की क्यूरी है तो प्लीज़ वो बता दे, एंड देन जो है वो अगर फिर हम इसको आगे जाए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, कल वाले टॉपिक में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सब जो है वो क्लियर है। कल हमने जो है वो वैसे ओवरव्यू चले बता दे दो, कल हमने वैसे जो है वो डिस्कस किया था कि जो है वो बेसिकली कि जो है वो डिजिटल कूपन्स जो है वो उसका क्या प्रोसीजर होता है और वो किस तरीके से अमेजोन में यूज होते हैं, ठीक है। एंड देन जो है वो मेनली डिस्कस किया था कि ईआरपी क्या होता है, ठीक है। तो ERP स्टैंड होता है अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके अंदर मींस क्या होता है कि फिर हमने देखा था कि जो अमेजोन है बेसिकली उसके ऊपर जो आपके रिव्यूज का जो रेशियो है बेसिकली वो है 2% टू द सेल्स ना, कि मतलब जो है वो में से जो है वो दो लोग जो है वो आपके बेसिकली प्रोडक्ट को जो है वो रिव्यू करना पसंद करते हैं, बाकी जो है वो 98 है वो बेसिकली वो जो है वो मतलब रिव्यू करना जो है वो पसंद नहीं करते। ये एक बायस की जो है वो उन्होंने साइकोलॉजी जो है वो अपने थ्रू आउट द सिस्टम में जो है वो स्टडी की हुई है, ठीक है। तो फिर जो है वो इस चीज को लेकर अब क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट ओपन करते हैं मार्केट के हिसाब से तो उसके ऊपर तो 100 ऑफ रिव्यूज होते हैं, तो इसके लिए ये होता है कि मींस नए सेलर को तो जो है वो कम्पीट करना ही क्या होता है मुश्किल हो जाता है ना, मतलब वो उसको कैसे मार्केट में कम्पीट करेगा, जबकि अब जो ऑर्गेनिक रिव्यू रेशियो जो है वो बेसिकली 2% है, मीन 100 सेल्स के ऊपर दो आती हैं, दो रिव्यूज अगर आपके आते हैं तो इस केस में फिर। और प्लस जो है वो इसमें ये होता है कि हम अमेजोन के ऊपर इंसेंटिवाइज्ड रिव्यूज भी मना है, वो आपका कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसके ऊपर आप इंसेंटिवाइज्ड रिव्यूज जो है वो बेसिकली आप नहीं ले सकते, सही है। इंसेंटिवाइज्ड रिव्यूज मीन्स क्या होंगे कि ऐसी कोई भी ऐसा कोई भी मीन्स के फीडबैक या रिव्यू जिसके बदले में आप क्या करें बायर्स को जो है वो कुछ कंपनसेट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ मनी या और भी कोई इस तरीके की चीज की, मतलब जिससे जो है वो आप यूँ समझ लें कि उसको कोई फायदा हो रहा हो, ठीक है। तो वो जो है वो आता है इंसेंटिवाइज्ड रिव्यूज के अंदर। तो अमेजोन जो है अमेजोन के अलावा बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है, ये हमने कल भी इसको बड़ा डिस्कस किया था कि ये वाईकुम सलाम क्या मैं कुछ कुछ ठीक ठाक पासवर्ड लगा लूँगा आपको बाय। एक मिनट देंगे जी।
ठीक है अच्छा तो हम बेसिकली बात कर रहे थे रिव्यूज की, ठीक है। तो इंसेंटिवाइज्ड रिव्यूज जो है वो मींस आपके पास अमेज़न के साथ साथ हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो क्या है ये मना है, मतलब आप इंसेंटिवाइज्ड रिव्यूज नहीं ले सकते, सही है। तो फिर जो है वो अब हम इंसेंटिवाइज्ड रिव्यूज भी नहीं ले सकते, ठीक है। अमेज़न के जो बायर्स हैं, अमेज़न ने अपने इंटरनल स्टडी करके वो भी हमें बता दिया होगा कि जो बायर है वो इतने परसेंट जो है वो रिव्यू करते हैं, 100 में से 2% रिव्यूज करते हैं। तो मींस अब स्टार्ट में तो जो है वो आपको पता है कि चल तो रहा है, एक मिनट जरा देंगे इधर चलिए मेरे स्पीड टेस्ट कर लेते हैं इसकी जो है वो। अच्छा अब जो है वो मतलब जो है वो अब आप अमेज़न से जो है वो अमेज़न ने आपको अपनी स्टडी दे दी और इधर से जो आपको भी पता चल गया कि अच्छा आप रिव्यूज जो है इतनी जल्दी नहीं आने वाले, तो इसके लिए फिर क्या होता है कि फिर हम जो है वो बेसिकली क्या करते हैं अमेज़न फिर इस पॉइंट पे आके ना आपको फिर हेल्प करता है और वो आपको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है ईआरपी, ठीक है। ईआरपी मींस ये जो है वो अर्ली रिव्यू प्रोग्राम, इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर आप अपना एसएन जो है वो बेसिकली इनरोल करवाते हैं। इट्स मींस कि एसएन स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, यहाँ पर हम जब भी हम एसएन की यहाँ पर बात करते हैं तो वो इसका ऑटोमेटिकली मतलब यही होता है कि हम किसी एक जो है वो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो अमेज़न जो है वो हर एसएन के अक्रॉस जो है वो आपसे चार्ज करता है $60 पीसीस की, सही है। और उसके बदले में जो है वो फिर क्या होता है कि अमेज़न आपको जो है वो प्रॉमिस करता है कि हम जो है वो आपको अप टू जो है वो 5 रिव्यूज जो है वो बेसिकली उसमें जो है वो हम आप क्या करेंगे आपकी जो है वो हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा फिर क्या होता है कि ये जो रिव्यूज होते हैं ये बड़े वेरीफाइड होते हैं, ठीक है। और इसके बदले में अब ईआरपी बेसिकली बैकएंड के ऊपर कैसे चल रहा होता है, अमेज़न के जो एल्गोरिथम्स हैं वो अपने जो है वो एआई जो है वो उसको यूज करते हुए मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो यूज करते हुए और बायर्स की जो प्रोफाइल्स होती हैं उनका डाटा और उनका जो बाइंग बिहेवियर टू द रिव्यू बिहेवियर है तो ये उसको देखते हुए वो इस बात का फैसला करते हैं कि अच्छा ये जो बायर है ना ये बड़ा ऑनेस्ट बायर है, ठीक है। इसका रिव्यूज जो है वो लीगल होता है, मतलब कि जो है वो इस तरीके से ना मतलब कि गलत रिव्यू नहीं देता। तो उसको फिर वो क्या करते हैं उसको फिर ये ना जैसे उसके पास प्रोडक्ट पहुंचती है तो उसको फिर ये क्या करते हैं मैसेजेस जो है वो शुरू कर देते हैं कि अच्छा आपने जो है वो लाइक ये प्रोडक्ट परचेज किया तो काइंडली आप इसको
रिव्यू करें, ठीक है, और मीन्स इस तरीके की फिर उसके पास ना प्रमोशनल मैसेजेस जो है वो जा रहे होते हैं। तो इससे फिर क्या होता है कि मतलब आदमी को समझने के फिर जब बार बार जो है वो मैसेजेस जा रहे होते हैं, और क्योंकि जो है वो अमेजोन बेसिकली सेलर को तो ऐसा अलाउड नहीं करता होता कि वो बार बार जो है वो हमारे बायर्स को जो है मैसेज करें, बट क्योंकि अब उसने जो है वो आपसे इस चीज के पैसे लिए होते हैं, ठीक है, और वो आपसे रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है इस चीज से भी, तो वो फिर जो है वो अपने बायर्स को बार बार मैसेजेस करता है, ठीक है, और वो फिर जो है वो आपको, तो जब बहुत ज्यादा ईमेल एंड फॉलोअप्स हो रहे होते हैं तो उसमें से फिर कोई ना कोई बंदा जो है वो डेफिनेटली फिर आपके मीन्स के उसमें आ ही जाता है, और फिर वो जो है वो आपके लिए रिव्यू देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है ईआरपी, सही है। अच्छा, ईआरपी के अंदर जो है वो इनरोल करने की आपकी जो है वो कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं, उनमें से एक ये है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जो रिव्यूज हैं वो 15 रिव्यूज से कम होने चाहिए, सही है। अभी मैं जो है वो आपको एक यहाँ पर एक लाइव लाइव आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ यहाँ पर, सही है, कि जो है वो मतलब जो ईआरपी से जो रिव्यूज आते हैं वो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उनके साथ। तो क्लियरली जो है वो साथ में एक लिखा होता है कि मींस कि ये ईआरपी का रिव्यू मींस अर्ली रिव्यू रिवॉर्ड है, या इस तरीके का ना उनके साथ में उन्होंने हेडिंग्स दी होती है। मैं जरा आपसे ना स्क्रीन शेयर करता हूँ पीसी की, मैं 2 मिनट दीजिएगा जरा।
अच्छा जी, कल जो है वो हमने एक प्रोडक्ट ओपन की थी जिसके अंदर हमें ईआरपी वाले रेवेन्यूज मिले थे, किसी को याद है तो मुझे बताएं प्लीज। चले हम अपने जो पहली वाली प्रोडक्ट है इसको देखते हैं। इसके अंदर शायद हाँ जी, ये देखें जिस तरीके से अब इसमें जो है वो, ये देखें इसने जो है वो इसको इनरोल करवाया हुआ था ईआरपी के अंदर, और जो है वो ये देखें इसको काफी अच्छे रिव्यूज आ गए होंगे। और इस वक्त जो है वो इसके ये तीनों जो रिव्यूज है बेसिकली वो क्या है, इस वक्त जो है वो ईआरपी से आए हुए हैं। ठीक है, तो ये होता है फिर इसमें जो है वो, मैं आपको बताऊंगी इन रिव्यूज का जो है वो इन रिव्यूज का किस तरीके से कंपैरिजन होता है। ठीक है, अब हाँ जी पावर बैंक तो चले अब जो है वो आ गया, हम ये जो है वो देखते थे ये मिल गए। अच्छा अब इसको बेसिकली वो सर, सर माइक थोड़ा अपने करीब करके बात करें, आवाज सही नहीं आ रही। सॉरी दोबारा दोबारा बोले क्या कहा आपने? बात मैंने आपको जो है वो ये भी कहा होगा कि सेल्स टू द रिव्यूज़ जो है वो 2% होती हैं। अब एक बंदा जो है वो दिन के जो है यूनिट्स है वो ही जो है वो 400-500 डेली के सेल कर रहा है, सही है? तो अब जो है वो, अब आप देखें जो है वो उसका ज़रा 2% लगाएं, या 500 के ऊपर 2% क्या बनेगा, 10 रिव्यूज़ डेली के बन जाएंगे ना, सही है? तो उसके बाद आप ये भी देखें कि रिव्यूड इन यूनाइटेड स्टेट ऑन अगस्त 6, ये जुलाई 29 को हुआ है, फिर ये अगस्त 6 को आया हुआ है, सही है, और फिर ये अगस्त 12 को आया हुआ है। तो आप ये डेट भी तो देखें ना, सही है, इस तरीके से, सही है। और प्लस जो है वो, हाँ जी, अगर किसी के पास ज़्यादा रिव्यूज़ हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो कोई फिशी कर रहा है या इस तरीके कोई काम कर रहा है, नो। सेल्स टू द रिव्यू रेशो मैंने आपको बताई है। अब डेफिनेटली जिसकी सेल्स ज़्यादा होंगी, ज़्यादा चीज़ें प्रोडक्ट्स बिक रही होंगी तो उसको रिव्यूज़ भी तो उसी वेलोसिटी से आएंगे ना फिर, ठीक है। अब जो है वो लाइक एक बंदा जो है वो 100 बेच रहा है और एक दिन के डेट जो है वो 500 बेच रहा है, तो 100 वाले को 2 डेली के आने के चांसेस हैं और 500 वाले को 10 डेली के आने के चांसेस हैं, सही है? तो इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है, उसकी सेल्स ज़्यादा हैं तो रिव्यूज़ ज़्यादा आ गए हैं तो। अच्छा, अब बेसिकली इसमें होता क्या होता है, अब अमेजोन क्या करता है कि ना क्लीनिंग करता है, सही है, मींस के रिव्यूज़ जो है वो वाइप आउट करता है आपके। एक ये इसका सीज़न है, मतलब कि एक तो जून में, सही है, और ये Q4 के अंदर आ गए ना मोस्टली लोग। अब जो कभी आप फॉरम वगैरह ज्वाइन करें जो, और बाकी जो फेसबुक के ग्रुप्स हैं मीन्स के, जिसके अंदर ये FBA वाले सेलर्स जो है वो बैठे होते हैं और वो अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, वह आप देखिएगा कि अक्सर जो है वो जब Q2 तकरीबन ऑलमोस्ट एंड हो रहा होता है उस वक्त, ठीक है, और जब जो है वो Q4 होता है, इन दोनों टाइम पीरियड्स के, इन दोनों के दौरान, टाइम के दौरान, सही है, वो अमेजोन क्या करता है कि आपके रिव्यूज़ जो है वाइप आउट करता है, ठीक है। मतलब जो है वो अमेजोन का थोड़ा सा शक बढ़ जाता है कि मतलब ये जो रिव्यूज़ है ये आपने इंसेंटिवाइज लिए हुए हैं, सही है, कि जो बायर है ये, अब जिस तरीके से फॉर एग्जांपल ये है, अब अगर हम इसकी जो है वो प्रोफाइल ओपन करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो हमें जो है पता चल जाएगा कि इस बंदी ने या बंदा जो भी है इसने क्या किया हुआ है पीछे, और इसके ऊपर जो है वो
अब ये देखें इसने टोटली 3 रिव्यूज किए हुए हैं सही है, और 22 जो है वो हेल्पफुल वर्ड्स किए हुए हैं, ये इसकी जो है वो रिव्यूज रैंकिंग है ठीक है। अच्छा एक इसने, अच्छा दो इसके जो है वो उड़ गए हुए हैं सही है रिव्यूज, और एक अभी इसका जो है वो जो है वो, अच्छा रिव्यूज देखते हैं। हाँ जी तो ऑल एक्टिविटीज में भी बस वही एक ही रिव्यू आ रहा है सही है। तो अब दूसरा सम हाउ किसी वजह से जो है वो इसका ये वाला रिव्यू उधर शो नहीं हो रहा सही है, बट ये यहाँ पर ये होता है कि मतलब कि जो है वो आपको उस बायर की जो है वो पता चल जाता है कि अच्छा मींस कि जो है वो ये किस तरीके के रिव्यूज करता है और क्या कर रहा होता है। तो सेलर टू द बायर के मतलब सेलर अमेजोन को, अमेजोन के एल्गोरिथम ये सोचते हैं कि अच्छा जो सेलर है वो भी और जो बायर है ये भी सही है, ये दोनों जो है वो रिव्यूज की मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो उस केस में होता यूँ होता है कि सेलर बायर से तो अमेजोन जो है वो ये जो मीन्स आपके प्रोडक्ट परचेज करते हैं उससे तो वो रिव्यू प्रिविलेज ले लेता है, मतलब उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता कि अब वो जो है वो फर्दर अपना जो है वो रिव्यू अमेजोन को दे सके किसी भी और प्रोडक्ट का ठीक है। और सेलर को क्या प्लेंटी लगती है, सेलर को इसमें प्लेंटी ये लगती है कि मींस वो बेस्ड ऑन उसकी एक्टिविटी, अगर तो आपने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन कर रखी हुई है फिर तो आपके पास वार्निंग्स आ रही होती हैं और अकाउंट्स की भी, और ये वो मीन्स कि आपका अकाउंट की हेल्थ जो है वो भी वही जो है वो मीन्स हिट हुई होती है ठीक है, और आप बड़े आप यूँ समझ लें कि बड़ी डेंजरस स्टेट्स में होते हैं आप सही है। बट ये होता है कि अगर जो है वो जैसे ये वाला टाइम पीरियड आता है जो मैंने भी आपको बताया Q2 और Q4 वाला, तो ये इसके दौरान फिर क्या होता है कि आपके रिव्यूज वाइप आउट होना शुरू हो जाते हैं सही है। अच्छा अब इसमें जो है वो ये वाला आपका रिव्यू मतलब आप यूं कह रहे हैं कि इसने दो यूनिट खरीदे या दो अलग से प्रोडक्ट खरीदी या एक ही प्रोडक्ट के दो यूनिट खरीदे। हाँ तो डेफिनेटली वो फिर दो उसने चीजें खरीदी हैं तो वो दो के ऊपर रिव्यू करेगा ना, अगर पहली चीज दूसरी से डिफरेंट है तो देन डेफिनेटली जो है वो दूसरी को दोनों के ऊपर जो है वो रिव्यू करने का एलिजिबल है। बट बेस्ड सही है। अच्छा उसमें फिर बेसिकली क्या होगा उसके अंदर ना आपके पास एक जो आएगा ना जो ऑर्डर होगा ठीक है, आपकी ऑर्डर आईडी जो है वो सेम होगी सही है, लेकिन क्वांटिटी वहां पर दो होगी ठीक है। उसके अंदर आपको ऑप्शन एक ही दफा दिया जाएगा रिव्यू करने का सही है, और अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी वजह से आपको एक जो है वो यूनिट मिल गया ठीक है, और आपने वो यूनिट अच्छा था, अभी आप ये सुन लीजिएगा पूरी बात। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है वो दो यूनिट यहाँ से ऑर्डर किए इसके ठीक है, ये कोई भी जो भी प्रोडक्ट है सही है, आपने कहा जी मुझे इसके दो यूनिट चाहिए, तो ये आपने उसको जो है वो दो यूनिट यहाँ से परचेज कर लिए, सम हाउ अमेजोन ने आपको एक यूनिट जो है वो पहले डिलीवर कर दिया और दूसरा यूनिट जो है वो बाद में डिलीवर किया, पहला यूनिट जो आया वो मतलब सही था सही है काबिल इस्तेमाल और जिस तरीके से बताया वो वैसे ही था, बट जो है वो बाद में जो दूसरा और उसकी बेस के ऊपर जो है वो आपने इसको एक अच्छा रिव्यू भी दे दिया सही है, बट बाद में जो है वो जो दूसरा ऑर्डर आया सही है वो
सही है जी। अच्छा आपको जो है वो बेसिकली दो ऑर्डर आने थे अमेजोन की तरफ से, सही है? मींस एक आपको पहले डिलीवर हुआ और आपने उसकी बेस के ऊपर जो है उसका एक 5-star रिव्यू जो है वो दे दिया, बिकॉज मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ अभी, जरा मुझे 2 मिनट दें। अच्छा फिर जो है वो अब जो दूसरा यूनिट आपके पास आया, सही है, वो अब जो है वो बेसिकली वो खराब यूनिट था या समझ लें आप वो डैमेज था किसी भी तरीके से, सही है, जो कि आप समझते हैं कि इस तरीके से मेरे पास ये नहीं आना चाहिए था, तो अब आपके पास ऑप्शन होगी आप उस जो एग्जिस्टिंग रिव्यू है उसको आप अपडेट कर सकते हैं, सही है। अब आप एक नया रिव्यू नहीं ऐड कर सकते बिकॉज वो ऑर्डर आईडी जो है वो सेम था, सही है। अब आप क्या कर सकते हैं उस रिव्यू को जो है वो क्या कर सकते हैं, तो अपडेट कर सकते होते हैं, ठीक है। मैंने जो है वो बहुत सारे रिव्यूज ऐसे देखे होते हैं कि जहाँ पर जो है वो ये जो बायर होते हैं बेसिकली उन्होंने जो है वो रिव्यू को अपडेट किया होता है, कि मींस वो फिर पहले एक रिव्यू करते हैं, फिर उसके बाद चीप प्रोडक्ट को यूज करके, फिर उसके बाद अपडेट करके, फिर अगेन जो उसका अपना ओपिनियन होता है वो बेसिकली जो है वो आपको जो है वो बता रहे होते हैं कि अपडेट अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है, इस तरीके से ना, सही है। अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं किस किस प्रोडक्ट को मैं देखा था, मैं आपको जो है यहाँ पर शो करवाता, बट ये है कि जो है वो आपको जो है वो फिर बाद में अपडेट का ऑप्शन देता है कि आप उसको अपडेट कर सकते होते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम जो है वो बात कर रहे थे बेसिकली इसके दरमियान और इस रिव्यू के दरमियान क्या डिफरेंस है, सही है। अब ये ना बेसिकली क्योंकि अमेजोन ने इसको खुद वेरीफाई किया हुआ है और खुद ही रिक्वेस्टें कर करके बायर्स को जो है वो आपको रिव्यू ये दिलवाया हुआ है, तो जब भी जो है वो ये क्लीनिंग टाइम पीरियड आएगा एटलीस्ट आपके ये वाले रिव्यूज जो है ना वो वाइप आउट नहीं होंगे, ठीक है। इस इन रिव्यूज का ना आपने यहाँ पर देखा होगा कि वाइन प्रोग्राम होता है, सही है, वाइन रिव्यूअर्स होते हैं कुछ अमेजोन के, इस तरीके से कुछ ईआरपी वाले रिव्यूअर्स हैं, सही है। तो ये जो रिव्यूअर्स होते हैं ना बेसिकली इनके रिव्यूज अप्रूव्ड होते हैं, ठीक है, और जब भी ये क्लीनिंग वाला सीन आता है तो उसमें एटलीस्ट आपके ये वाले जो रिव्यूज है ना वो वाइप आउट नहीं होते, सही है। इसका एक फायदा आपको ये जो है वो जरूर होता है, ठीक है। बाकी जो है वो ईआरपी के अंदर अगर आपके पास 15 रिव्यूज से कम है तब आप वो ऐसे इनरोल कर सकते हैं, सही है, उसका मतलब आप जो है वो प्रोडक्ट अमेजोन को दे सकते हैं कि अच्छा इसकी जो है वो मुझे रिव्यूज ला के दें आपसे, ये $60 अमेजोन आपसे लेगा और आपके लिए जो है वो क्या करेगा वो मेल्स जो है वो करना शुरू कर देगा बायर्स को, सही है। अच्छा अब ये जो है वो ये हो गया। अच्छा अब दूसरी बात ये होती है कि आपके पास बाय बॉक्स नहीं है तो क्या आपका कूपन अप्रूव्ड और शो होगा कि नहीं होगा। अब ये जो बाय बॉक्स है ना ये समझ लें, बाय बॉक्स बेसिकली जो है वो आपका काम नहीं होता, ठीक है। बाय बॉक्स होता है सेलर के जो है वो उसमें आता होता है, ठीक है। अगर तो जो है वो अब जिस तरीके से यहाँ पर ये देखें इस वक्त जो है वो बाय बॉक्स में कौन है, ये हैरसलम डायरेक्ट जो भी है ये बेसिकली कोई चाइनीज होगा जो डायरेक्ट जो साथ लगाते हैं, तो ये चाइनीज ही लगाते होते हैं, ठीक है। इसका अगर हम एड्रेस ओपन कर ले यहाँ से, ये देखें जो है वो ये शेंजन शीडा, ठीक है, तो इस तरीके से ये देखें ये एड्रेस भी चाइनीज है, सही है। तो अब जो है वो बाय बॉक्स जो है वो बेसिकली क्या होगा, ये सेलर का जो है वो हिस्से में आता होता है, ठीक है। तो मतलब जिस सेलर के पास जितना जो है वो बाय बॉक्स होगा उसने जो अपनी जो है वो ऑफर लगाई हुई होगी, तो ये उसी हिसाब से जो है वो फिर रिडीम एंड क्लेम होगी, ठीक है। तो मतलब जिस तरीके से जो है वो अब इस वक्त जो है वो ये एक अकेला सिंगल जो है वो सेलर है इस लिस्ट के ऊपर, ठीक है, और डेफिनेटली जब एक ही सेलर जो है एक ही लिस्ट के ऊपर होगा तो हर वक्त जो है वो बाय बॉक्स भी उसी के पास रहेगा। मींस बाय बॉक्स स्टैंड फॉर कि जब भी कोई सेल आएगी तो वो इसी ही जो बंदा है जो भी है इसी के पास ही जाएगी, ठीक है। तो ये होता है इसमें, सही है। तो जब सेल्स जो है वो इसी के पास जाएंगी तो जो भी इसने प्रमोशंस वगैरह और ये अब इस तरीके से जो है वो एक्स्ट्रा सेविंग्स में डबल प्रमोशन एक अवेलेबल है, सही है। One or more offered by this. Here's how. So yeah, means कि इसने कोई extra से जो है वो एक promotion डाली हुई है, सही है। उसके बाद ये इसने एक digital coupon भी लगाया हुआ है $4 का, ठीक है। और ये होता है जो मतलब means के जो है वो क्या होगा कि जो बंदा जो है वो क्या करेगा basically इधर जो है सर, वो सर एक सवाल सर एक question था सर जी सर हम यही product जब as a buyer purchase करेंगे तो ये कूपन हम किस तरह अप्लाई करेंगे इस पर? अब ये देखें जो है वो इसको अप्लाई करने का सिंपल तरीके का ये है, ये आपके पास ये चेक लोगो नजर आ रहा है, सही है ये वाला
अब सिंपल इस चेक को जो है वो क्लिक करें, ठीक है। अब ये इस वक्त जो है वो कूपन अप्लाई हो गया हुआ, ठीक है। अब मैं अगर फर्दर जो है वो इसको ऐड टू कार्ट करके फर्दर प्रोसेस करूंगा तो वो मुझसे जो है वो कहेगा कि चलें पहले साइन इन करें, बट इस वक्त ये है कि ये सर इसके लिए ऐड टू कार्ट करना लाजमी है, बाय नाउ नहीं कर सकते इसमें। इन दोनों का फंक्शन बेसिकली ये होता है कि आप मतलब बैठे हैं, आपने और भी बहुत सारी चीजें जो है वो खरीदनी है तो मतलब ऐड टू कार्ट करते जाए, मॉल में जाते हैं ना आप, सही है। एक आपको जो है वो ट्राली दे दी जाती है, सही है। अब आपके ऊपर है फिर जो है वो ट्राली में एक ही चीज जाके डाल के उसको पहले बिल करवा लें या फिर क्या करें, वो पूरा मॉल घूम लें, सही है, और लास्ट में जो है वो चेकआउट कर लें आप, सही है। तो बाय नाउ में सिंपली जो है आपको उधर ही ऑर्डर आपका जो है वो फाइनल करवा देगा, चेकआउट में ये आपके कार्ट में ऐड टू कार्ट में आपके जो है वो कार्ट में डाल। जी तो दोनों तरह से ये अप्लाई हो जाएगा सर, इस तरह कूपन अप्लाई हो गया वैसे, जब आपने इसको चेक कर दिया कूपन अप्लाई हो गया। ये तो इसका प्रोमो कोड आगे जाके मांगेगा हमसे जाके, बस नहीं बस ये जो है वो ये आपने चेक कर दिया ये कूपन इस वक्त अप्लाई हो गया, वो जो है वो दूसरे होते हैं जिनके अंदर जो है वो प्रोमो कोड मांग रहे होते हैं, या इस तरीके से ये जो प्रमोशन है ना आपकी विद इन अमेज़न चल रही है, सही है, जिस तरीके से ये देखें ये वाली। बाकी जो है वो अगर इसने कोई जो है वो कूपन वाली प्रमोशन भी कर रखी हुई है, सही है, अमेज़न के बैकएंड से जो है वो अपनी अकाउंट से कूपन निकाल के वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो जी जी ये माइक प्लीज अनम्यूट रखा करें बाकी वाले लोग, तो उससे जो है वो फिर आगे आपको जाके पूछेगा कि अच्छा हैव यू डू यू हैव एनी कूपन और समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से। तो आप जो है वो फिर उसमें अगर आपके पास कोई कूपन है तो आप उसको वो दे सकते हैं, सही है, और फिर फर्दर और भी जो है वो जो भी उसके अगेंस्ट क्लेम होगा वो आपको कर देगा, अदरवाइज जो है वो फिर सिंपली जो है वो 1799 या तो $4 इसका तो 1399 के ऊपर जो है वो आपको चेकआउट कर देगा। जी थैंक यू सर। जी सर ये Q4 में ये जो रिव्यू है ये किस लिए ये वाइब आउट? बस जो है वो अब आप ये देखें कि जो है वो हर इंडस्ट्री क्या कर रही है, एक लाइक हर एक इंडस्ट्री के क्या होते हैं कंपेटिटर होते हैं, सही है, मतलब के जो है वो आप देखें जिस तरीके से कॉलेज से कॉलेज स्कूल से स्कूल कम्पीट कर रहा है, यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी से, या इसी तरीके से जो है वो अमेज़ॉन के साथ भी दूसरी जो है फॉर्म्स वो बेसिकली कम्पीट कर रही हैं, सही है। तो वो फिर क्या होता है कि अब डेफिनेटली जो है वो फिर अगर जो है वो आपने अपने कंपेटिटर को जो है वो डाउन करना है तो आप उसके जो है नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो उनको हाईलाइट कर देंगे ना। तो कुछ टाइम पहले जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर ये एक फॉर्ब्स वालों ने और ये एक जो है वो पूरी केस स्टडी उठाई थी कि किस तरीके से जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर फेक प्रोडक्ट्स जो है वो बिक रही हैं, मींस लोग जो है वो किस तरीके से इंसेंटिवाइज रिव्यूज वगैरह लेके तो वो जो है वो ले रहे हैं, और मींस के जो बायर्स हैं वो उनको एक्चुअली जो है वो प्रोडक्ट नहीं मिल रही जो कि जेन्युइन वहाँ पर होनी चाहिए, मींस के रिव्यूज जो है वो जेन्युइन नहीं है अमेज़ॉन के ना, इनके अंदर जो है वो मैनिपुलेशन हुई हुई है, ठीक है। तो फिर अब मींस के जब अमेज़ॉन के ऊपर जो रिव्यूज़ हैं, सही है, वो जेन्युइन नहीं है, इनकी मैनिपुलेशन हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज जो है वो किसका डाउन हो रहा है, ट्रस्ट जो है वो किसका लूज हो रहा है अमेज़ॉन के ऊपर, बायर्स का, सही है, जो कि अमेज़ॉन ने अपनी बहुत एक जो है वो टाइम लगा के अपनी हिस्ट्री डेवलप की है, सही है, और अपना जो है वो एक टाइम लगा के जो है वो अपना मार्केट के अंदर नेम बनाया था, अब वो हिट हो रहा है ना, सही है। तो फिर अमेज़ॉन फिर इस तरीके अब डेफिनेटली उसको भी सर्वाइव करना, तो वो फिर जाते हैं, तो उनके जो भी उनको जहाँ पर भी कोई चीज़ इस तरीके की फिशी नज़र आती है तो वो अभी तो फिर भी जो है वो ये स्लो डाउन हुआ है, अदरवाइज तो आप किस डायरेक्टली जो है वो रिव्यू मैनिपुलेशन के ऊपर अकाउंट सस्पेंशन आती होती थी, सही है। अब तो फिर भी जो है वो रिव्यू वाइप आउट हो जाते हैं, मतलब रिव्यू उड़ा देते हैं आपके, बट पहले जब तक अकाउंट सस्पेंशन होती थी आपकी, तो ये होता है इस तरीके से। वो मैंने ने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है पीएम वालों का, तो उसमें कल एक बंदा रो रहा था, कहता मैंने 3 जैनी ढूंढी है, 3 रिव्यू दिवाए हैं, उन्होंने वो डिलीट करवा दिए। हाँ जी ऐसे ही होता है, क्योंकि जो है वो उनकी जो प्रोफाइल होंगी, सही है, जिस तरीके से ये हमने प्रोफाइल ओपन की हुई है, सही है, वो ऑलरेडी जो है वो ब्लैक लिस्टेड होंगी, सही है, वो मतलब के बहुत ज्यादा रिव्यूज कर रही होंगी, ठीक है। तो फिर अमेज़न यही करता है कि आपसे जो है वो ना आपकी रिव्यू की प्रिविलेज जो है वो बेसिकली वापस ले लेता है,
मतलब कि जो है वो, और अगर उसको जो है वो शक पड़ जाए तो वो आपके एग्जिस्टिंग रिव्यू जो है वो भी उड़ा देता है। अब इस तरीके से ये इसके साथ हुआ हुआ है। अब इसका रिव्यू जो है वो उधर शो हो रहा था लिस्ट के ऊपर यहाँ पर, बट अब जो है इधर उसकी हिस्ट्री में शो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसने रिव्यू किया हुआ है सही है, वो रिव्यू वहाँ से भी बहुत जल्द जो है वो उड़ने वाला है। ये रिव्यू जो है वो यहाँ से उड़ जाएगा। आप इसको जो है वो नोट कर लें, दोनों एसेंस को और इस बायर की प्रोफाइल को। अब ये देखिएगा थोड़ी देर बाद जो है वो इसका रिव्यू उड़ा हुआ होगा। जी हाँ जी, और किस पर कोई क्वेश्चन? सर एक डिजिटल कूपन तैयार करते हैं और दूसरा सर जो प्रोमो कोड हम तैयार करते हैं सर, वो उसका क्या मेथड है सर, वो किस तरीके से हम करते हैं कि यानी कि जो प्रमोशन कोड देंगे वो इनविटेशन होगा, रेफरेंस होगा, उसके थ्रू जैसे बायर आएगा हमारी लिस्टिंग पर? नहीं, अब जिस तरीके से जो है वो इसमें ये होता है कि लाइक के डिजिटल कूपन तो ये हो गया ना आपका, कि आपने विद इन द अमेज़न जो है जो अभी हमने सामने ओपन किया हुआ था जी, ये वाला सही है, ये आपने सिंपल जो है वो लगा दिया, ये डिजिटल कूपन हो गया। दूसरा जो प्रोमो कोड होता है सही है, कोड मींस कि कोई नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होंगी आपके पास सही है, वो आप किसी भी जो है वो बायर को देंगे सही है, वो जब वो चेकआउट कर रहा होगा तो उस वक्त वो जो है वो उसके अंदर एंटर करेगा, उसके अगेंस्ट जो भी आपने उसको बैकएंड के ऊपर डिस्काउंट रखा होगा वो जो है उसको क्या करेगा वो मिल जाएगा सही है, उसको वो क्लेम कर लेगा। ठीक है, तो इनको जो है वो जनरेट करने का तरीकाकार यही होता है कि आप अमेजोन के एडवर्टाइजिंग टैब के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जो है वो जिस एसन के अगेंस्ट करना था आप उसको जो है वो ऑफर सिलेक्ट करके और लाइक इस तरीके से कि मींस के वो आपसे पूछता है कि अच्छा कितने टाइम के लिए आपने कितने आपको कूपन चाहिए आप वो बताते हैं, तो ये हम जो है वो प्रोमो कोड्स की बात कर रहे हैं, और देन जो है वो कितने परसेंट ऑफ के चाहिए सही है, और वो आपसे टाइम रेंज भी पूछता है कि अच्छा कब से लेकर कब तक आपने प्रमोशन चलानी है सही है, क्योंकि ऐसा नहीं हम ये नहीं चाहते कि क्योंकि जब हम प्रमोशन का भी एक टाइम पीरियड होता है ना, ऐसा तो नहीं हो कि हम ऑर्गेनिकली सेल कर रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट जो है अच्छी बिक रही है, बट राइट सर, बट जो है वो हमारी जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर वही प्रोमो कोड वाले आते हैं और आके जो है वो ऑफ करके जो है वो ले जाए, तो ये होता है कि फिर हम ना एक टाइम पीरियड सेट कर देते हैं कि अच्छा हमने जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो बेसिकली प्रमोशन चलानी है सही है, और उस प्रमोशन का बेस ये होगा कि उसके इस टाइम पीरियड के दौरान जो है वो जो भी आ जाता है वो प्रमोशन में पार्टिसिपेट करेगा, और उसके बाद जो है अगर नहीं आता तो फिर वो ऑफ हो जाएगा सही है। सर इसकी जो स्ट्रिंग होती है वो हमारी अपनी मर्जी से होती है अमेज़न प्रोवाइड करता है? दोनों ऑप्शन होते हैं, आप अपनी मर्जी की स्ट्रिंग जो है वो जनरेट करना चाहें, आप जिस तरीके से कोई अगर कोई आप इन्फ्लुएंसर मार्किंग है और नाम है जनरेट हैं कि अच्छा ये देखें जो है वो आप मीन्स उसको कहते हैं कि मिस्टर एक्स 20 ऑफ सही है, आपने जो है वो ये एक अमेज़न को बताया कि ये जो जब भी इसने कोड अप्लाई आपने 20% ऑफ कर देना चाहिए, तो उस केस में फिर जो है वो आप क्या करते हैं आप अपनी यूज़र डिफाइंड जो स्ट्रिंग है वो आप उसको देते होते हैं सही है, और फिर आगे जो है वो जब उसको प्रमोट करेगा वो भी कहेगा कि अच्छा ये देखिए मेरा नाम है मिस्टर एक्स टू, तो आप क्या कहेंगे मिस्टर एक्स 20 ऑफ लिखेंगे आपको 20% ऑफ मिल जाएगा सही है, तो मींस दोनों ऑप्शन होते हैं। अगर आप उसको नहीं कहते तो वो आपको फिर जो है वो रैंडमली स्ट्रिंग्स को जो है वो जनरेट करके देता है, अगर आपके पास अपनी भी होती है तो अमेज़न उसको भी जवाब एक्सेप्ट करता है जी। राइट सर, ओके सर। अच्छा ये आपने जो है वो क्वेश्चन किया है कि मींस कैन आई लोड द सेम डिजिटल कूपन ऑन टू डिफरेंट शॉपर्स कार्ड, अब ये इसमें शॉपर्स कार्ड आप जो है वो किसको लेती हैं,
ये जरा मुझे बताएं सही है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका बेसिकली क्या मकसद है, क्योंकि मुझे आपके क्वेश्चन की नहीं समझ लगी आपने क्या कहा हुआ है इसमें। शॉपर्स कार्ड मतलब आप क्या कर कि मतलब आप एक नीचे कूपन डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। कूपन है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक जो है वो एक एसन के लिए होता है, मींस ऐसा नहीं है कि आप जो है वो इसका जो डिजिटल कूपन है वो आप जो है वो जाके अप्लाई कर दें लाइक इसके ऊपर सही है या किसी और प्रोडक्ट के ऊपर। अगर इसने जो है वो लगाई हुई होगी से या ऑफर जो भी लगाई होगी तो इसका कूपन इधर ही अप्लाई होगा सही है, और इसका कूपन क्या होगा इधर ही अप्लाई होगा ठीक है। ये है अच्छा, अब जो है वो यहाँ तक जो है वो हमारा कवर हो गया कि बेसिकली वो डिजिटल कूपन और ईआरपी क्या है। वो आगे का जो है टॉपिक वो है बेसिकली है कि अब यहाँ पर जो है वो अगर आप इसको देखें ठीक है अमेजोन के काम को, तो इसके अंदर जो है बेसिकली तीन चीजें हैं आपके पास, हंट सही है, सोर्सिंग और रैंकिंग सही है। तीन चीजें हैं इसकी जो है वो मेन जो है वो अमेजोन के ऊपर ना, कि मीन्स आपकी रिसर्च जो है वो अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट रिसर्च मीन्स आप अच्छी जो है वो प्रोडक्ट निकाल सकते हो, और आप एक अच्छे निगोशिएटर हो, आप चाइना से जो है वो अच्छी सोर्सिंग कर सकते हो, और तीसरी बात ये है कि आपको जो है वो आपके जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो स्किल्स हैं वो बेसिकली बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए सही है, जिससे ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो टू द पेज वन जो है वो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं उसको जो है वो मींस के आप उसको जो है वो रैंक कर सकते हो सही है। इधर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ लाइव, को जरा आप देख लें कि ये बेसिकली क्या है। अच्छा, अब जो है वो ये प्रोडक्ट अभी हमने रिसेंटली लॉन्च की थी, अभी जो है वो नवंबर में ही लॉन्च की थी ये वाली लाइक जो है वो 7-8 नवंबर को। अब इस वक्त जो है वो ये जो टूल है वो बेसिकली ये कह रहा है कि 4 कीवर्ड्स ऐसे हैं सही है, और उनका सर्च वॉल्यूम 38,000 है सही है, जो कि आपके इस वक्त टॉप 10 पोजिशन के अंदर हैं। मीन्स के जो है वो 4 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो अगर आप टाइप करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो टॉप 10 में नजर आ रही है इस वक्त ठीक है। अब जिस तरीके से ये है तो मीन्स ये देखें जो है वो ये बेसिकली आपको ये ग्राफ शो करवा रहा है यहाँ पर कि 11/7 को ये क्या थी, ये 67 पोजिशन पे थी, देन उसके बाद जो है वो ये देखें जो है वो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रैंक होती गई। तो अब स्टिल देखें कि अब ये इस वक्त क्या है, ये इस वक्त हमारे जो है वो नंबर 3 प्रोग्राम जो है वो इस कीवर्ड के ऊपर बैठे हुए हैं। मींस के ये भी कीवर्ड, ये वाला कीवर्ड इसके पीछे जो भी कीवर्ड जो है वो अटैच है तो ये उसको जो भी जो है वो बंदा टाइप करता है तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली कहाँ नजर आती है, उसको 3 स्पॉट के ऊपर नजर आती है। मींस के 1, 2 और ये 3 इधर जो है वो आपको आपकी प्रोडक्ट जो है वो नजर आ रही है सही है। एंड सेम इसी तरीके से इसको जो है वो मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर दिया गया हुआ है सही है, तो इसके ऊपर जो है वो पोजीशन 6 के ऊपर है, इस कीवर्ड के ऊपर जो है वो पोजीशन 8 पर है, इस कीवर्ड के ऊपर जो है वो पोजीशन 10 पर है, इसके ऊपर जो है वो 11 पर है, 13 एंड 14 इस तरीके से सही है। तो इनके ऊपर जो है वो बट स्टिल अभी जो है वो वर्किंग जारी है, बट जो है वो इवेंचुअली जो मेन गोल होता है सही है वो बेसिकली क्या होता है कि हमने जो है वो अपने जो हर कीवर्ड है उसको कहाँ पर फिक्स करना होता है, टॉप 5 के अंदर सही है, जो मीन्स के जो है वो कोई भी बंदा जो है वो उसको जाके टाइप करे ठीक है, और आपकी प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली टॉप 5 पोजीशंस के अंदर जो है वो तक उसको नजर आए, जिससे जो है वो क्या हो बेसिकली आपकी जो सेल्स हैं वो आपकी क्या हो ज्यादा से ज्यादा जो है वो आ सके सही है। तो ये बेसिकली एक जो है वो आपको एक मैंने जो है वो ये ओवरव्यू दिया है कि ये इसके अंदर जो है वो रैंकिंग का बेसिकली जो है वो क्या हिसाब किताब होता है और किस तरीके से जो है वो इसको लेके चलते होते हैं सही है। और इसकी जो है वो अगर हम बात करते हैं इन द फील्ड ऑफ फ्रीलांसिंग सही है, तो फ्रीलांसिंग में जो है वो सबसे ज़्यादा आपको क्लाइंट बेसिकली इसी जो है वो
क्राइटेरिया में मिलेंगे। अब क्योंकि जो है वो लाइक जो गोरे होते हैं ठीक है, वो प्रोडक्ट तो जो है वो क्या कर लेते हैं, वो निकाल लेते हैं, मींस कि ना ही उनका कोई प्रोडक्ट का इतना कोई मींस खास, आप यूँ समझ लें कि कोई रिस्ट्रिक्टेड क्राइटेरिया होता है कि मींस हमने अच्छा ये वाला क्राइटेरिया भी देखना है, वो सीजनल भी नहीं हो, जो कि हम जो है वो पीछे प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान जो हम देख के आ चुके हुए हैं, हमने देखा था कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो एवरग्रीन हो, मतलब एक किसी एक खास सीजन की नहीं हो, क्योंकि ऑफ सीजन तो फिर वो चलेगी नहीं, सही है। और इसी तरीके से हमने ये भी देखा था कि उनके जो रिव्यूज हैं वो हम उनको कम्पीट कर सकते हैं, प्लस जो है वो उसकी जो सेल्स वेलोसिटी है उसको हम कंपीट कर सकते हैं, फिर हम उसकी प्राइस देखते हैं, सही है। और इस तरीके से फिर हमने बाकी जो है वो लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया जो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर की थी तो वो हमने जो है वो बेसिकली देखी, सही है। तो मतलब कि क्या हुआ कि वो तो एक हमारा क्राइटेरिया और हम उसको लेके चलते हैं, बट ये होता है कि गोरे इस तरीके से नहीं चलते होते, वो उनको जो समझ में आती है प्रोडक्ट वो उठा के क्या कर देते हैं, उसको लॉन्च कर देते हैं। सोर्स भी वो जो है वो कर लेते हैं, इतने मतलब अच्छे वो आप यूँ समझने के नेगोशिएटर नहीं होते, सही है, मींस कि जो है वो बस वो बहुत कम ही नेगोशिएशन करते हैं और देन उसके बाद जो है वो क्या कर देते हैं, वो लेके जो है वो किसी तरीके से इधर उधर से सीख सूख के तो वो अमेजोन के वेयर हाउस में एटलीस्ट वो वहाँ तक प्रोडक्ट ज़रूर पहुँचा देते हैं। अब जो बाकी फिर कहानी आती है ना बाद में यहाँ पर के लॉन्च एंड रैंक, सही है, तो इसमें जो है ना फिर वो क्या करते हैं, बस वो फिर जो है वो पीपीसी के जो बटन है ना वो दबा के बैठ जाते हैं, वो समझते हैं कि शायद अच्छा बस पीपीसी का जो बटन है वो दबा के बैठ गए हैं, सही है, और इससे जो है वो कोई जादू होने वाला है, तो वो तो बेसिकली होता नहीं है कभी कभी भी ना, सही है। अल्टिल अनलेस कि आप इसके अंदर जो है वो मीन्स एक स्ट्रेटेजिस्ट अब हो, सही है, आप एक पूरी एक फुल प्लान से जो है वो आपके इसके अंदर जो है वो जा रहे हो, सही है। तो यहाँ पर फिर क्या होता है कि फिर अब उन्होंने जो है वो अब क्योंकि उनको बेसिकली ये बात समझ नहीं आती कि जो है वो पीसी भी जो है वो बगैर रिव्यूज के काम नहीं करते, व्हाट्सएवर जो भी है ये स्क्रीन पे वो नहीं करें, अच्छा, तो फिर वो इवेंचुअली जो है वो फिर पीसी के ऊपर पैसे लगा लगा के फिर क्या जाते हैं वो बेचारे थक जाते हैं, सही है। एंड देन जो है वो फिर क्या करते हैं, वो फिर एक्सप्लोर करते हैं फाइवर को और फिर अपवर्क को, सही है, फिर वो मींस के जो है वो फिर वो क्या करते हैं कि मतलब एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन को जो है वो ढूंढते हैं कि अच्छा जो हमारी प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च एंड रैंक करके दे। आप देखिएगा, सही है, लॉन्च एंड रैंक के जो प्रोजेक्ट है ना वो सबसे हाईली पेड होते हैं इसके ऊपर, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, सही है, और इवन के लोग जो है वो इसके $1,000 तक भी लेते हैं एक प्रोडक्ट को लॉन्च एंड रैंक करने का, जिसने जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाई है कि हमने जो है वो प्रोडक्ट विद इन 20 days जो है वो टॉप 5 में उसको लेके आए हुए हैं हम लोग, सही है। तो यही काम अगर हम किसी गोरे के लिए कर रहे होते तो इस वक्त डेफिनेटली जो है वो हम उससे जो है वो $1,000 to $1,200 जो है उस वक्त हम उससे ले चुके होते, सही है। तो ये बेसिकली जो है वो इसका आप यूं समझ लें कि ये इसका जो है वो स्कोप है, सही है, कि मींस कि जो है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो जो है वो लॉन्च है और दूसरा जो है वो रैंक है, मींस कि आपने एक एग्जांपल भी सुननी होगी कि बेसिकली जो है वो जो दिखता है वो बिकता है, सही है। कि अब जो है वो अब इसका शॉपिंग बिहेवियर का अगर आपने आइडिया लगाना है तो वो कभी आप अपने आप को खुद जो है वो इस चीज़ में डाल के देख लीजिएगा। आप जब भी कोई गूगल के अंदर क्यूरी वगैरह टाइप करते हैं या किसी और जगह पर भी आप कोई चीज़ जो है वो सर्च करने जा रहे होते हैं ऑनलाइन, मोस्टली लोग जो है वो क्या होते हैं, बस यही होते हैं कि मींस उन्होंने एक जो है वो पहली वेबसाइट या प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट में जा रहे हैं अमेजोन पर जा रहे हैं तो ओपन की, दूसरी ओपन की, तीसरी ओपन की, हद करके ना चौथी पे पहुँच जाते हैं वो। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो है वो चांसेस यही होते हैं कि उन्हीं जो 5 जो है उन्हीं के अंदर से क्या हो जाएगी, किसी न किसी को क्या हो जाएगी सेल्स के बेसिकली चांसेस होंगे कि वही उसी में से कोई एक आधी सेलेक्ट करके उसको शॉर्ट लिस्ट करके वो चेकआउट कर लेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि अगर जो है वो आपको जो है वो प्रोडक्ट अपनी बेचनी है अमेजोन के ऊपर तो आपको आना पड़ेगा टॉप 5 के अंदर एटलीस्ट, सही है। और अगर आप जो है वो मींस के और प्लस जो है वो इसके अंदर और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिनको हम फर्दर जो है वो देखेंगे, सही है, एक एक जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वो लॉन्चिंग एंड रैंकिंग के अंदर जो है वो किस किस पैरामीटर को जो है वो बड़ा क्लोजली हम मॉनिटर कर रहे होते हैं
कि जो है वो मींस कि हम पूरी मार्केट को कम्पीट कर सके, सही है। तो अब कुछ लोगों का मतलब कि जो है वो ख्याल ये होता है कि नहीं, हमारी तो प्रोडक्ट ही सबसे अच्छी है, सही है, और हम जो है वो प्राइस भी हम लो नहीं करने वाले, सही है, और कोई मसला नहीं है, हमारी बिक बुक जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि बस वो अपनी खुश फहमी का जो है वो शिकार होते होते हैं, सही है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला अमेज़ॉन के ऊपर। अमेज़ॉन के ऊपर जो टॉप के स्पॉट्स में लोग होते हैं वही सेल कर रहे होते हैं, इवन के नो मैटर के जो है आपके पास क्या है, आपके पास जो है वो यहाँ पर लोग अमेज़ॉन के ऊपर कचरा भी बेच जाते हैं, बट ये क्या होता है कि उनकी जो ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाली स्किल होती है, एसईओ की जो स्किल होती है वो बड़ी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, सही है। तो लोग जो है वो सोना भी लेके बैठे होते हैं, बट वो क्या होता है, बिक नहीं सकता होता। वो इसका जो है वो मेन मैंने आपको जो बता दिया कि ये होता है, सही है। अच्छा, अब जो है वो अब सबसे पहले आप ये समझेंगे कि इसमें लॉन्च एंड रैंक बेसिकली है क्या, सही है। जब भी जो है वो अमेज़ॉन को आपने प्रोडक्ट भेजी, सही है, और अमेज़ॉन ने जो है वो उसको एक्सेप्ट की और फुलफिलमेंट सेंटर्स के अंदर जिस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, और मैंने अभी आपको जो है वो रिसेंटली अकाउंट के अंदर दिखाया भी था जब हम शिपिंग प्लान बना रहे थे कि किस तरीके से जो है वो मींस के आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको किस किस तरीके से फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो मीन उसने अपना वो सारा प्रोसेस किया एंड देन उसके बाद उसने आपकी प्रोडक्ट लाइव कर दी है, लें जी अब आपकी प्रोडक्ट जो है वो हमारे एंड से बिल्कुल रेडी है, अब कोई भी जो है वो बंदा आके अगर परचेज करना चाहता है तो हम ऑर्डर डिलीवर करने के लिए क्या है, रेडी है। मीन्स इट्स का मतलब क्या हुआ कि अब जो है आपकी प्रोडक्ट जो है ना एक्चुअली लॉन्च हो गई है, उसके ऊपर लॉन्च स्टैंड फॉर की मीन्स पब्लिकली अवेलेबल है, मार्केट में आ गई हुई है, सही है इस वक्त। अच्छा, अब जो है वो कुछ लोग जो है वो लॉन्च को जो है वो और रैंक को एक ही टर्म समझते हैं, तो ये यहाँ पर जो है वो ये आज आप ये बात अपनी जो है वो आइडियाज़ को जो है वो क्लियर कर लें, सही है, माइंडसेट को, कि लॉन्च और रैंक जो है वो डिफरेंट दो डिफरेंट जो है वो चीज़ें हैं। जब भी आपकी जो चीज़ है वो अवेलेबल होती है फॉर द पब्लिक यूज़ तो मीन्स कि आपने उसको लॉन्च कर दिया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ अमेज़ॉन की ही चीज़ हो सकती है, सही है, इसके अलावा आप कोई भी आप अपना काम शुरू करें, लाइक किसी ने एक फूड का रेस्टोरेंट बनाया है, सही है, किसी ने एक इवन की रेडी भी लगाई है, सही है। तो जब कभी भी उसने मींस के जो है वो अपनी प्रिपरेशन के साथ वो मार्केट में आ गया हुआ है तो इट्स मींस कि वो क्या हुआ है, वो जो है वो लॉन्च हो गया हुआ है, सही है, कि मींस वो प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो गया हुआ है, सही है। अब जो है वो बेसिकली उस वो प्रोडक्ट वो प्रोजेक्ट है या प्रोडक्ट है या व्हाट्सएवर जो भी चीज़ है, सही है, वो बेसिकली जो है वो अगर हम क्या करें, प्रायोरिटाइज करें ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ और डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं उसके ऊपर, तो वो फिर स्टैंड कहाँ करता है, मींस कि उसकी जो है वो आप यूँ समझ लें कि अब इस तरीके से होते हैं ना कि कुछ आप जो है वो किसी करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो है वो आप आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड कर रहे होते हैं, सही है, कि अच्छा यस कि ये जो है वो अब फॉर एग्जांपल जो है वो इसकी एग्जांपल हम देते हैं कि लाइक अगर आपने बावलपुर में जनाब मिठाई लेनी है तो यस दाता स्वीट्स जो नंबर वन पर है, ठीक है जी, वो मीन्स के नंबर वन पर स्टैंड करती है। देन उसके बाद आप देखेंगे कोई और आ जाता है, फिर थर्ड बिजनेस, फोर्थ बिजनेस, फिफ्थ बिजनेस, सही है। तो अपने अब जिस तरीके से जो है वो अब दाता स्वीट जो है वो मार्केट में जब नीम आई होगी तो डेफिनेटली जो है वो इसका कोई इस तरीके का नहीं होगा इम्प्रेशन जो कि आज हुआ हुआ है, सही है। तो एंड इस काम के लिए उन्होंने बेसिकली क्या की होगी, अपनी कोई मार्केटिंग की होगी, सही है, लोगों को बताया होगा कि ये देखें जी हम मिठाई बनाते हैं बड़ी अच्छी जो है वो हमारी मिठाई है, सही है, लोगों ने टेस्ट की होगी वो वाकई अच्छी थी तो उन्होंने दूसरों को रिकमेंड किया होगा, सही है। और इस तरीके से करते 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 आज क्या हुआ कि आज आपको ये जो फॉर्म है करंट जो है वो आपको नज़र आती है कि अच्छा जो है वो मीन्स के भावलपुर में अगर किसी को कोई मिठाई चाहिए तो यस वो स्पॉट वन दाता स्वीट के पास चला जाए, ऐसे ही है, सही है। तो मीन्स क्या उन्होंने अपने आपको इस चीज़ के ऊपर रैंक कर लिया होगा, क्या सही है, मीन्स के जब भी कोई चीज़, और सिंपली यही आपका कॉन्सेप्ट अगर आप इधर ऑनलाइन पे अप्लाई कर देते होते हैं, सही है, तो यही होता है कि जब कोई भी बंदा जो है वो कोई चीज़ सर्च करे, सही है, और फॉर एग्जांपल जो है वो हम यहाँ पर क्या करते थे कि मैंने जो है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पावर बैंक, सही है,
अच्छा, अब मैंने जो है वो पावर बैंक जो है वो टाइप किया, अब ये तो बेसिकली स्पॉन्सर्ड आ गया ना, सही है, मीन्स जो लोग पैसे दे के जो है वो अमेजोन के ऊपर आए हुए हैं। अब ये जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनिकली रैंक आया इस वक्त इसके ऊपर, सही है, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास इसका जो है रैंक नंबर क्या है इस करंटली इस वक्त रैंक वन है, मीन्स कि ये फर्स्ट स्पॉट के ऊपर है, ठीक है। और जो है वो व्हाट्स एवर बाकी जो भी चीज़ें इसने इसके पीछे क्या टेक्निक्स यूज़ की हैं और जो है वो क्या इसने वाइट हैट यूज़ किया है, ब्लैक हैट यूज़ किया है, सही है, ग्रे हैट यूज़ किया, जो मर्जी यूज़ किया। अच्छा, फिर उसके बाद रैंकिंग के कुछ मेथड होते हैं जो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, उसमें सब आते हैं आपके पास, सही है। तो मीन्स जो है वो इसने जो भी किया जिस तरीके से भी किया, बट इस वक्त ये है कि ये ऑर्गेनिकली जो है वो नंबर वन के ऊपर रैंक है, सही है, ये ऑर्गेनिकली नंबर टू के ऊपर रैंक है, सही है, और ये नंबर थ्री के ऊपर रैंक है ऑर्गेनिकली, सही है। देन जो है वो कुछ और अमेजोन के अपने जो है वो एडवर्टीजमेंट है, देन फोर, देन अब जो है ये स्पॉन्सर्ड आ गया होगा, सही है। तो इस तरीके से यही इधर चलती है, ये स्पॉन्सर्डली, ये ऑर्गेनिक और स्पॉन्सर्ड में फ़र्क होता होता है, ये क्या फ़र्क होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है पहले से ही, सही है, जब हम पीपीसी देख रहे थे। तो ये स्पॉन्सर्डली रैंक वन है, ये स्पॉन्सर्डली रैंक टू है, सही है, इस तरीके से। देन ऑर्गेनिक स्टार्ट हुए फिर उसके बाद, एंड इसी तरीके से जो है वो क्या है ये स्पॉन्सर्डली जो है वो थ्री है, एंड सो ऑन इस तरीके से, सही है। तो मींस क्या हुआ कि जब आपकी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हुई, सही है, आपने उसको लॉन्च किया और किसी ने जो है वो कोई एक कीवर्ड टाइप किया और आपकी प्रोडक्ट जो है वो उसको इस कीवर्ड के ऊपर जो है वो सबसे ऊपर नज़र आए, इस जो प्रोसेस है इसको जो है वो ऊपर, ये जो सारा ये जो प्रोसेस है इसको करने का नाम हम क्या करते हैं, हम इसको जो है वो एक नाम देते होते हैं रैंक का, कि ठीक है मींस कि आपने उसको ऊपर जो है वो कैसे देखा है, ये बेसिकली आपकी होती है रैंकिंग, सही है। तो समझ लगी है कि इसमें मेजर डिफरेंस बेसिकली क्या होगा कि लॉन्च एंड रैंक बेसिकली दो डिफरेंट चीज़ें, और ये क्या होती हैं जी। किसी का कोई क्वेश्चन? सर लॉन्च और रैंक के दरमियान फर्क का तो पता चला, लेकिन सर वो जो आप बता रहे थे कि जो रैंक वन है, रैंक टू है, रैंक थ्री है, उसका नहीं सर समझ आई कि वो किस तरह आपने डिसाइड किया कि रैंक वन पे और ये रैंक टू पे है। ये आपने जो है वो लास्ट लेक्चर लिया जी सर, जो टॉप पे थ्री बैठे हैं सर, तो सर उन्हीं में से सर हो सकता है वो स्पॉन्सर्ड है या ऑर्गेनिक है, वो एक उनमें से टॉप वन आ गया, दूसरा थ्री टू आ गया, तो थ्री सर नहीं हो सकता सर। नहीं, ये जो हम जब मैं आपको ये पीपीसी बता रहा था सर, ये तो आपने वो वाला लेक्चर लिया होगा? नहीं सर, पीपीसी वाला नहीं मैंने। अच्छा, खैर जो है वो बेसिकली ये चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं, सही है। तो मैं आपको जो है वो सारी चीज़ दोबारा तो डेफिनेटली जो है वो नहीं बता सकता, क्योंकि इस वक्त कोई बात नहीं सर, मैं वैसे बैठे हुए हैं, सही है। तो ये वैसे मैं आपको बस थोड़ा सा बता देता हूँ इस वक्त कि अमेजोन के ऊपर जो है वो दो टाइप्स के रैंक होते हैं, सही है। अमेजोन आपको जो है वो जो पहली दो स्पॉट्स हैं यहाँ पर, अगर पेज के ऊपर जो रिजल्ट आ रहे हैं 1 out of 16, सही है, तो जो पहली दो स्पॉट्स होंगी वो बेसिकली जो है वो उन लोगों के लिए होगी जो कि अमेजोन को पैसे देने के लिए तैयार हैं इस कीवर्ड के ऊपर कि हम आपको पैसे देंगे, हमारी प्रोडक्ट आप जो है वो टॉप पे शो करवा दो, सही है। तो मींस के उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, ठीक है, अपनी इस प्रोडक्ट को ना, मींस के वो कुछ पैसे दे के ऊपर आ रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्सर्ड रैंक। ये स्पॉन्सर्डली वन है और ये स्पॉन्सर्डली रैंक टू के ऊपर है, सही है। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कोई पैसे नहीं दिए हुए अमेजोन को, ये जस्ट जो है वो आप यूं कह लें कि आप मेरिट वाइज ये जो है वो लोग हैं जो कि सर ये 1 ऑफ 16 में नहीं है सर, ये 1 ऑफ 16 में है, ये मींस कि ऑर्गेनिकली है सर। नहीं नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1 ऑफ 16 का मतलब ये है कि टोटल 1000 रिजल्ट्स हैं अमेजोन के पास इस कीवर्ड के ऊपर, और इस पेज के ऊपर अमेजोन आपको जो है वो 16 रिजल्ट शो करवा रहा है, बेसिकली इसका मतलब ये होता है। जी जी सर जी।
सही है, इधर इधर बेसिकली आपको ज्यादा नजर आएंगी, इसको हम इंक्लूड नहीं किया करते होते, तो ये जो होती है सही है, ये वाली जो ऑर्गेनिक जो होती होती है ये वाली जिनके ऊपर कोई स्पॉन्सर वगैरह आपको नजर नहीं आएगा, इसकी बात हो रही है सही है। तो अब जो है वो ये इस वक्त स्पॉन्सर्डली रैंक 1 है, ये इस वक्त स्पॉन्सर्डली रैंक 2 है, ठीक है। अगर वैसे देखें तो ये रैंक नंबर 3 पे आ रहा है, लेकिन ये मींस के नंबर 1 तो डेफिनेटली यही है, नंबर 2 ये और नंबर 3 ये है। बट क्या करें अगर हम चेक करें कि ऑर्गेनिकली मींस जो है वो विदाउट प्रमोशन अगर कोई नंबर 1 पर है तो वो कौन है इस वक्त, वो ये है सही है। मींस के जो आपने ऑर्गेनिक को आप यूं समझ लें कि मेरिट वाइज इस वक्त नंबर 1 के ऊपर कौन है सही है, तो मेरिट वाइज बेसिकली ये है, ये वो लोग हैं जो अमेज़न को रिश्वत देके जो है वो ऊपर आए होंगे, समझ लगी इस बात के। अब आपको सही आइडिया, यस सर, यस सर, थैंक यू सर। अच्छा अब मुझे जो है वो भूल गया मैं बेसिकली क्या बताने वाला था। अच्छा फिर इसमें जो है वो क्या होता है कि मतलब अब हमने ये देख लिया कि लॉन्च एंड रैंक के अंदर बेसिकली जो है वो खास मेजर जो है वो डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब जो है वो इस लॉन्च मींस के लॉन्च सर ये क्या आउटलाइन हमें मिल सकती है, कोर्स आउटलाइन? जी ऑलरेडी शेयर की हुई है। ओके सर ठीक है, चलो ले लूंगा बाकी। जुल्फकार से जो है वो आप तक ले, जुल्फकार इसको जो है वो आउटलाइन फॉरवर्ड कर दीजिएगा इनको। जी जी सर ठीक है। अच्छा जी अब जो है वो ये जो मींस के जो भी चीज़ है आपकी उसने डेफिनेटली लॉन्च तो होना ही होना है, ठीक है। कि मतलब के जो है वो जब भी वो लॉन्च के मैंने डेफिनेशन भी यही देखी कि जब आपकी जो चीज़ है वो मार्केट के लिए अवेलेबल होगी, ठीक है, तो वो इस मींस के वो लॉन्च हो गई सही है। अब जो है वो इसको अब रैंक जो है वो जो ऊपर लेके आना है सही है, अब वो इसको रैंक कैसे करना है और किस तरीके से जो है वो ऊपर लेके आना है, तो इसके जो है वो डिफरेंट बेसिकली जो है वो मेथड होते हैं सही है, जिसको जो है वो डिफरेंट जो है वो आप यूँ समझने के एक हमने एक जो है वो लोकल लेवल के ऊपर जो है वो हमने एक नेम दिए हुए सही है, जिसके अंदर जो है वो इन्होंने आपको सामने नज़र आ रहा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बम्बू लॉन्च सही है।
अब आप जो है वो कोई भी बंदा जाके इसको बम्बू लॉन्च गूगल करे या अमेजोन के ग्रुप्स हैं जो उनमें जाके टाइप करे सही है, तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा ऐसा सही है कि जी मुझे बताएं जी बम्बू लॉन्च में क्या होता, तो इस वहाँ पर ऐसा आपको कुछ नहीं मिलने वाला ठीक है। और इसी तरीके से जो है वो ना ही आपको जो है वो हाइपर लॉन्च में जाके कुछ मिलने वाला है कि हाइपर लॉन्च बेसिकली क्या है, ये जो है वो सेल्फ ड्राइव जो है वो टर्म्स हैं सही है, जो कि हम एक्सट्रीम कॉमर्स जो बेसिकली कोलैबोरेट कर रही है इस कोर्स के अंदर सही है टैप्टा के साथ, उनकी जो है वो सेल्फ डिफाइंड टर्म्स है क्योंकि उन्होंने जो है वो कैटलॉग डिफाइन किया है, तो वो लोग जो है वो ये जो है वो टर्म्स यूज करते हैं, तो ये जो है वो उनके नाम रखे हुए हैं सही है। अच्छा अब जो है वो बम्बू स्टैंड फोर के पास जो है वो एग्रेसिवली जो है वो आपने जो भी काम करना है मीन्स एग्रेसिव आप उसकी मार्केटिंग कर दें सही है, तो उन्होंने जो है वो बेसिकली इस जो है वो मेथड के ऊपर जो है वो इसका नाम इस तरीके से रखा हुआ था कि जनाब आपकी प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल होती है जब अमेजोन के ऊपर सही है, आप फ्रॉम डे वन ही जो है वो उसके कोई 100 से 150 गिव अवेज करना शुरू कर देते हैं सही है। अब गिव अवेज का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर आप जो है गिव अवेज का मतलब भी समझने को मीन्स इसमें क्या होता है कि आप अमेजोन के कस्टमर्स को जो है वो कहते हैं आप उससे जो है वो फेसबुक पे या जो है वो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या इसके लिए जो आप प्रॉक्सी मार्केटिंग के जो आर्मी है उसको हायर करते हैं सही है, वो जो प्रॉक्सी मार्केटिंग है वो किस तरीके से काम करती है ये भी मैंने आपको जो है वो कल बताया था ठीक है। आप उसको कहते हैं कि अच्छा ये मेरी प्रोडक्ट है इसके लिए ना मुझे बायर्स ला के दें, तो आप उनको कहते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट जो है वो जाके अमेजोन से परचेज कर लो सही है, और ऑर्डर आईडी और पेपैल दोनों दे दो तो ये जब प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो जाएगी हम आपसे यहाँ से आपको जो बायर से रिफंड कर देंगे सही है, तो वो जो है वो बायर बेसिकली खुश हो जाता है क्योंकि उसको फ्री में आपकी जो है वो चीज़ मिल जाती होती है ठीक है। अच्छा तो इसको जो है वो नाम देते हैं बेसिकली गिव अवेज का ना कि आप गिव अवेज जो है वो कर रहे हैं। अच्छा तो इसमें फिर ये होता है कि आप फ्रॉम डे वन ही जो है वो इतने जो है वो गिव अवेज स्टार्ट कर देते होते हैं कि ठीक है कि 100-150 अडे, तो मीन्स इसमें इसका रिजल्ट तो बेसिकली ये होता है कि आपकी जो आप यूँ समझ लें कि जो प्रोडक्ट है विद इन 3-4 डेज 4 डेज मैक्सिमम लगाती है या 5 डेज जो है वो हद लगा लें, विद इन 5 डेज ना आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्पॉट वन के ऊपर फिक्स हुई होती है आके ना सही है इस बैम्बू लॉन्च के अंदर। बट जो है वो इसमें होता क्या होता है कि आपकी जो मार्केटिंग कॉस्ट ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सही है, इवन के जो है वो आप मैंने बहुत सारे ऐसे सेलर्स भी देखे हैं जो कि $20,000-$30,000 जो है वो बेसिकली इसी मार्केटिंग के अंदर लगा देते हैं विद इन जो है वो 10-15 डेज मीन्स $20,000 का मतलब क्या होगा कि 30-32 लाख जो है वो 15-16 दिनों के अंदर जो है वो लगा देते हैं मार्केटिंग के ऊपर सही है। तो इससे फिर होता है इसी के लिए है कि जो आपका ROI है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है सही है वो उसका जो टाइम पीरियड है वो बड़ा लॉन्ग हो जाता होता है सही है, बट उसके बाद जो है वो फिर ये अभी जो लॉन्च होता है बेसिकली इसका कोई एक एग्जैक्ट फार्मूला नहीं होता कि आप जो है वो बस ये एक बटन है और इसको दबा दें सही है, तो ये जो आपकी जो चीज़ है वो बेसिकली क्या हो जाएगी रैंक हो जाएगी सही है, तो इसका एक मीन्स के वो कोई एक स्पेसिफिक जो है वो फार्मूला नहीं है सही है। यही इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो लोग जो है वो इस चीज़ को जो जानते हैं सही है वो जो है वो सबसे ज्यादा जो है इसको क्या कर देते हैं इस पोर्शन के ऊपर जो है वो लोगों से चार्ज करते हैं और लोग जो है वो फिर क्या करते हैं बेसिकली उनको पे भी करते होते हैं क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं होता, वो यहाँ पर आपको टोटली जो प्योर एक्सपीरियंस है ना वो बेसिकली काम आता होता होता है ठीक है। आप जो है वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर जो है वो करंटली डेटा को एनालाइज करके देन आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि अच्छा अब इसकी ये सिचुएशन है तो इसके अकॉर्डिंग ये करना चाहिए, ये सिचुएशन है तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो ये प्रोसेस ये जो स्टेप है ये बेसिकली क्या करना चाहिए प्रोसेस जो है वो करवाना चाहिए सही है। तो ये होता होता है इसके लिए फिर हम डिफरेंट जो है वो स्ट्रेटजीज वगैरह डिफाइन करते हैं जो है वो कि मीन्स के अच्छा चले इसके ऊपर कुछ पोर्शन जो है वो लाइक के जो है वो थोड़ी सी PPC चला देते हैं सही है, थोड़ी सी गिव अवेज करवा देते हैं या थोड़ी सी जो है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा लेते हैं और थोड़ी सी जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर मार्केटिंग करवा लेते हैं, थोड़ी सी पिंट्रस्ट यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा फेसबुक यूज़ कर लेते हैं सही है एंड बाकी सो ऑन इस तरीके से सही है। तो ये बेसिकली जो है वो होता होता है आपके जो है वो इस बैम्बू लॉन्च के अंदर, बैम्बू लॉन्च के अंदर तो मतलब ये होता है कि बस आप फॉर्म डे वन ही बड़ा एग्रेसिव जा रहे होते हैं सही है,
और फिर आता है कि आपकी हाइपर लॉन्च, हाइपर लॉन्च में बेसिकली ये होता है कि मींस आप हर एक का जो है मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन कर रहे होते हैं ताकि जो है वो अमेज़ॉन को ये ना पता चले कि आपकी जो है वो अपनी एक जो है वो आर्टिफिशियल जो है वो बेसिकली मार्केटिंग हो रही है या आप इस तरीके के ये काम जो है वो कर रहे होते हैं। सही है। अच्छा, फिर इसके अंदर जो है वो मैनीचैट और फेसबुक का क्या काम होता होता है? मैनीचैट बेसिकली क्या करती है? मैनीचैट एक जो है वो आपके पास एक टूल है, सही है, जो कि अपनी APIs का डाटा जो है वो शेयर करके फेसबुक के साथ, सही है, जो कि आपके कस्टमर्स जो बेसिकली आपकी जो पेज के ऊपर लैंड हो रहे होते हैं, सही है, उनको वो क्या कर रहा होता है, वो गाइड कर रहा होता है कि अच्छा अब ये काम कर रहे हैं आप, अच्छा अभी आप ये काम कर रहे हैं। सही है। अभी आपने देखा होगा कि आप किसी भी पेज का जो है वो कोई एक इनबॉक्स जाके देखें, सही है, तो उसमें जो है वो आपको एक शायद जो है वो आपका एक्सपीरियंस किसी का अगर कोई अच्छा इस तरीके को बड़ा बारीक बेनी से जो है वो क्लोजली जो है वो देख रहा हो तो उसको डेफिनेटली वो बॉट लगेगा। सही है। बट ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि अच्छा कोई बंदा बैठा हुआ पीछे जो उनको जो है वो क्या कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है। सही है। तो वो बेसिकली क्या होते हैं, वो पीछे इस तरीके से बॉट डिज़ाइन किए होते हैं जो कि मीन्स के जो है वो इस बात का फैसला कर रहे थे कि अच्छा अब यूज़र ने ये टाइप किया तो इसको ये दिखाना है, यूज़र ने अब ये टाइप किया तो इसको ये दिखाना है। सही है। तो मैनीचैट बेसिकली एक जो है वो टूल है जो कि आपको ये फैसिलिटेट करता है कि आप एक बॉट बना सकते हैं। सही है। जिसके अंदर जो है वो जो कस्टमर सपोर्ट वाला जो काम होता है बेसिकली, सही है, कि मतलब जो है वो एक कस्टमर जो आया उसको हैंडल किस तरीके से करना है, वो वाला सारा काम अब क्या कर रहा होगा, वो बॉट कर रहा होगा। सही है। मैनीचैट जो है वो, और मैनीचैट क्योंकि जो है वो फेसबुक के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, सही है, तो फिर इस वजह से जो है वो हम क्या करते हैं, मैनीचैट के अंदर बॉट बना के उसको क्या कर देते हैं, फेसबुक के पेज के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे फिर बेसिकली होता क्या होता है कि जब हम फेसबुक ऐड जो है वो रन करते हैं, सही है, और उसके बाद कोई भी एक जो पर्सन है वो बेसिकली हमारे पेज के ऊपर लैंड करता है उस गिव अवेज को क्लेम करने के लिए, तो उसको फिर हम डिफरेंट एक स्टेप्स जो है वो हमने बताने होते हैं, हमने उसको अपनी पॉलिसीज जो है बेसिकली वो बतानी होती है कि अच्छा आप जो है वो हमारे प्रोडक्ट रिफंड नहीं कर सकते। सही है। गिव अवेज लेने के, हम उसे जो है रिफंड लेने के बाद आप प्रोडक्ट रिटर्न नहीं कर सकते अमेज़ॉन के ऊपर। सही है। और इस तरीके से जो है वो आप पहले ये कीवर्ड टाइप करें, इसको जो है वो सर्च फाइंड एंड बाय कहते होते हैं। सही है। SFB जिसको बोला करते होते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है। सही है। अच्छा, ये जो है वो कीवर्ड टाइप करें। सही है। फिर जाके देखें अमेज़ॉन के ऊपर क्या आ रहा है। अच्छा, फिर हमारी ये प्रोडक्ट इसको ढूंढें, और ये मीन्स डिफरेंट स्टेप्स के जो कि अमेज़ॉन को लगे कि बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली एक नेचुरल सी चीज़ हो रही है। सही है। मीन्स कि कोई एक और बायर आया जो कि उसने नेचुरली जो है वो एक कीवर्ड टाइप किया है। सही है। और उसने बाकी 10-12 प्रोडक्ट्स और भी ओपन की, लेकिन उसको आपकी पसंद आ गई, तो देन डेफिनेट इसका मतलब क्या होगा कि जो है वो बॉट यही समझे कि अच्छा आपकी जो प्रोडक्ट है वो इससे क्या है बेसिकली जो है वो रेलिवेंट है इस कीवर्ड से, तो वो सिंपल क्या होगा कि मतलब कि जो है वो आपको उस कीवर्ड के ऊपर जो है वो रैंक कर देंगे। सही है। तो ये वाले सारे हम जो काम बेसिकली ये कर रहे होते हैं, ये इवेंचुअली होते किसके लिए, वो ये इसी रैंकिंग के लिए होते हैं। ठीक है। ताकि हम जो है वो फर्स्ट स्पॉट में जो है वो आपको क्या करें, इवन के फर्स्ट, ये डिपेंड करता है आपके जो है वो रैंकिंग बजट के ऊपर, बट ये नहीं कि इसके अलावा जो है वो हमारा टारगेट ये होता है कि एटलीस्ट हम अपने आपको टॉप 5 के अंदर जो है वो ज़रूर जो है वो रैंक कर सकें। सही है। तो ये बेसिकली आपके पास एक रैंकिंग का जो है वो एक ओवरव्यू था। सही है, जो कि मैंने आपको दिया रैंकिंग एंड लॉन्चिंग का। ठीक है। और आई थिंक जो है वो आज के लिए इतना बहुत है, अगर अदरवाइज सारी चीज़ें फिर मिक्स एंड मैच हो जाएंगी। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं ज़रा।
सर बबुलाज के बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन देनी थी सर। सर आवाज आ रही? जी आवाज आ रही है आपकी, प्लीज बोलें क्या जो है वो गाइडलाइन। सर ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है बम्बू लॉन्च का ही होता है रैंकिंग के दौरान? देखिए वो जो है वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, सही है। अगर आप समझते हैं कि जो है वो आपके पास जो है वो कोई 30-40 हज़ार डॉलर ऐसा ही है, और मींस के विदाउट इन्वेंट्री के अलावा आपके पास इतने अमाउंट है, अगर वो जो है वो इसमें जो है वो कुछ अगर ये आप जी और आपने जो है वो लगा दिए तो फिर भी, और अगर जो है वो इसका रिजल्ट सही नहीं आया तब भी कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तो फिर डेफिनेटली जो है वो आप बैम्बू की तरफ जाते हैं, सही है। और आप जो है वो इस तरीके से उसकी बैम्बू स्टैंड फॉर अग्रेसिव मीन्स कि जब आप डे वन से जो है वो एक मीन्स कहते हैं ना कि आपने बहुत ही कोई कमाल किस्म का जो है वो काम कर दिया है, मीन्स के उधर से प्रोडक्ट जो है वो जस्ट लाइव हुई है और आपने जैसे 100-150 जो है वो डेली के गिव अवेज करवाना शुरू कर दिए हैं, इवेंचुअली जो है वो अब ऐसा हम करते नहीं होते होते, सही है। बट अगर आपने ऐसा काम करवाना शुरू कर दिया है तो उसको हम बोलेंगे कि ये बम्बू आपने कर दिया, मींस कि बड़ा ही अग्रेसिव गए हैं आप, सही है। मुझे बड़ा बाकियों से अलहदा काम कर लिया हमने, बाकियों से जो है वो आपने अलहदा काम कर लिया होगा, सही है। सर इसके अंदर हम MC1 MC2 और वायरल लॉन्च हाइपर लॉन्च सब इसी पे हम करते हैं ना? फिर MC1 MC2 का मतलब बेसिकली ये होता है कि ManyChat 1 and ManyChat 2। ManyChat 1 के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप जो है वो कोई लिंक यूज कर रहे होते हैं, सही है, जिसको जो है आगे चल के हम पढ़ेंगे, सही है, जो पिक्सल फाइव जो है वो बेसिकली आपको किसी जमाने में देता था जो कि आजकल यूज नहीं होता। और MC2 के अंदर क्या कर रहे होते हैं आप जो है वो SFB यूज कर रहे होते हैं जिसमें आप बायर से जो है वो कीवर्ड टाइप करवा रहे होते हैं। जी सर्च करें फाइंड करें और बाय करें। जी SFB राइट सर। अच्छा बम्बू लॉन्च और ये हाइपर लॉन्च है, ये बेसिकली सेल्फ डिफाइंड जो है वो टर्म्स है, इसको आप इसको जो है इतना कोई मतलब वो सीरियस एक टॉपिक नहीं ले सकते होते, ठीक है। बस बम्बू लॉन्च के अंदर आपको बस ये पता होना चाहिए कि आप जो है वो मींस के अग्रेसिवली जो है वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं, सही है, बहुत ही जो है वो फ्रॉम डे वन से जो है वो बहुत हाई किस्म की मार्केटिंग कर रहे होते हैं आप, सही है। और हाइपर लॉन्च में होता है कि आप क्या कर रहे थे कि जो है वो मिक्स एंड मैच कर रहे होते हैं, कि आपको पता होता है कि अच्छा आपने जो है वो कोई 30-40 ऑर्डर जो है फेसबुक से लेने हैं, ये मीन्स आप ट्रैफिक को जो है वो बेसिकली जो है वो मिक्स एंड मैच कर रहे होते हैं आप उसके अंदर ना, कि आपको पता होता है कि आपने 30-40 ऑर्डर जो है वो फेसबुक से लेने हैं, 30-40 ऑर्डर जो है वो आपने किसी कोई जो है सुपर यूजर वहाँ से लेने हैं, सही है, और 20-30 जो है वो इंस्टाग्राम से जाएँ, सही है, वहाँ से। अब बेसिकली क्या होता है कि अमेजोन के जो एल्गोरिदम्स और उसका सिस्टम है वो बेसिकली इतना पावरफुल है कि वो जहाँ से जो बायर आ रहा होता है वो उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये जो बायर लैंड हुआ है हमारे पेज के ऊपर ये पहले कहाँ पर था, सही है। तो मींस कि ये पहले ये मींस कि जो है वो इंस्टाग्राम से आया है, सही है, कुछ लोग जो है वो फेसबुक से आ रहे हैं, कुछ लोग जो है वो पिंटरेस्ट से आ रहे हैं, कुछ लोग जो है वो मींस के कहीं और से आ रहे हैं, कुछ लोग जो है विद इन अमेजोन जो है वो कीवर्ड टाइप करके आ रहे हैं। तो मीन्स अमेजोन जो है वो बेसिकली लाइक करते हैं आपकी एक्सटर्नल ट्रैफिक को कि अच्छा जो है वो आप अमेजोन के बाहर भी जो है वो मेहनत करके अमेजोन के लिए काम कर रहे हैं तो इसके बदले में आपको रिवॉर्ड करता है, सही है। तो ये होता है जब आप इस तरीके का ये सारे आप काम कर रहे होते हैं मिक्स मिला के, तो इसको आप हाइपर लॉन्च जो है वो बोलने करते होते हैं। सर आपने एक बात कही थी ये कि गोरे जो होते हैं वो कोई भी प्रोडक्ट को जो उठा के लॉन्च कर देते हैं और उनको नहीं पता होता कि सीजनल है या कोई रिस्ट्रिक्टेड वगैरह है, तो उस दौरान अगर सर वो हमें हायर करते हैं लॉन्चिंग और रैंकिंग के लिए, तो क्या हम उसको सर इस तरह गाइड कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है इस तरह से जो है नहीं चलने वाली है, इस तरह कोई भी किसी किस्म की भी अपने टूल्स वगैरह यूज़ करके उसका सारा डाटा वगैरह रिक्वायर करने के बाद?
जी बिल्कुल होता है, ऐसा ही है। जब आपको वो प्रोडक्ट देंगे तो आपने उसकी फिजिबिलिटी बनानी होती है ना, आपने फिर उनको बताना होता है कि अच्छा ये जो इसका ये जो है वो बेसिकली आउटकम्स हैं, तो ये जो कि हम जिनके ऊपर जब हम काम कर सकते हैं, मीन्स के आप जो है वो इतना मतलब हमें रैंकिंग बेल्ट चाहिए होगा, इसके लिए इतना हमें ये चीज़ें चाहिए होंगी, ये रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे, तो अगर जो है वो उनको समझ में आती है तो फिर आपसे काम करेंगे, नहीं है तो फिर आपको जो है वो छोड़ छोड़ देते हैं। तो ये होता होता है वह, फिर उसके बाद जो है वो दूसरी बात ये होती है कि फिर वो पाकिस्तानी होते हैं तो वो किसी को नहीं छोड़ते होते, सही है, तो वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं, आपने लॉन्च कर लिया तो बस हमें हमारे साथ आ जाए, पैसे तो हमें मिल जाएंगे ना, बाकी अगर आपका 20,000 का लॉस हुआ तो हमारे भी 1,000 से आपको कुछ नहीं होने वाला, सही है, वो 21,000 बन जाएगा बस, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं होगा। यानी कि सर हम उसको उनको हमने ये बताना होता है कि आपका जो है ना अगर ये की वर्ड हम रैंक करवाना चाहते हैं तो उस पर आपको इतनी ब्रीडिंग होगी, इतना खर्चा होगा उसके ऊपर, तो अगर वो इस बात पे एग्री हो जाता है तो हम उसकी रैंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, अदरवाइज उसको जवाब दे देते हैं। सर बस जो है वो फिर मीन्स के हर बंदे का अपना अपना एक जो है वो वे होता है टैकल करने का, सही है, अगर आप समझते हैं कि जो है वो आपके पास ये गिव अवेज वाला मेथड ही सही है, जो एक वो वाइड मेथड है जो आपको आता है, सही है, इसके अलावा आप दूसरे मेथड के ऊपर काम नहीं कर सकते, सही है, जबकि आपका जो क्लाइंट है वो कहता है कि नहीं मैंने गिव अवे से नहीं चलना, तो देन डेफिनेटली उस केस में तो आपको उसको ना ही करनी पड़ेगी। तब कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं हम गिव अवे कभी भी नहीं करेंगे, हम PPC के ऊपर लगा देंगे, सही है, तो PPC से जो है वो अब बेसिकली वो उल्टे ज़्यादा लगा लेते हैं, बस उस केस में गारंटेड नहीं होती रैंकिंग, सही है, बस उनको ट्रस्ट होता है उसमें, लेकिन उसको जो है उनको ट्रस्ट होता है, सही है, तो ये होता है उसमें, वो फिर डिपेंड करता है कि वही मैंने आपको बताया ना स्टार्ट में, इसके अंदर कोई आपको एक जो है वो एग्जैक्ट कोई एक फार्मूला नहीं मिलेगा, सही है, मीन्स आप जिसके ऊपर कह सकें कि अच्छा जो है वो ये वाला बस एक बटन और ये फार्मूला है, सही है, ये अप्लाई कर दे और वो सब के लिए एक हो जाएगा, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं होता होता है, हर एक जो है वो केस स्टडी होती है बेसिकली यहाँ पर ना, हर केस स्टडी जो है वो डिफरेंट दूसरों से डिफरेंट होती है, इवन कि इसमें ऐसा भी होता है, मैंने खुद जो है वो देखा है, एक्सपीरियंस करके देखा है, हमने एक सेम प्रोडक्ट जो है वो दो डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर लॉन्च की, एक के ऊपर जो है वो सही से रैंक एंड लॉन्च होगी और बिल्कुल चल भी गई वो, दूसरे के ऊपर वो नहीं चली, सही है, तो ऐसा भी हो जाता होता होता है। ये दूसरा सर आपने वो SEO की स्किल्स वगैरह बताई थी सर, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर, उसका थोड़ा सा बता देंगे सर? नहीं वो आगे जो है वो चल के ना उसको आपको बताते हैं। अभी जो है वो जितना आपको ये बताया अभी आप ये ऑब्जर्व करें, देन जो है वो इंशाल्लाह आगे थोड़ा थोड़ा जो है वो चलाते हैं आगे, तो आपको इवन के जो आपकी बॉट बिल्डिंग होती है, सही है, कि किस तरीके से आप जब आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं उनकी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वहाँ पर बॉट बैठे होते हैं, वो आपके जो है वो लाइक बॉट का मतलब ये होता है कि आपने वो देखा नहीं होता, आप किसी फेसबुक पेज के ऊपर मैसेज करें आपको ठग करके रिप्लाईज आ रहे होते हैं, सही है, तो इसके पीछे जो स्क्रिप्ट्स लगी होती है वो स्क्रिप्ट्स भी जो आवेदन आपको डिजाइन करना सिखाएंगे कि कैसे जो है वो डिजाइन की जाती है। राइट सर, जिस तरह सर मैनेजर का फ्लो बनाया होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मैनेजर का जो फ्लो बनाया होता है। जी जी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी इनको कह सकते हैं सर? जी FAQ जो होते हैं सर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हाँ जी यही होते हैं सर वो। अब बेसिकली जो है वो मैं आपको जो उसके इवेंट्स है वो उनको यूज़ करना सिखा दूंगा कि सही है, अब उसके बाद आपकी अपनी मर्जी होगी कि आप किस इवेंट को कैसे यूज करते होते हैं, सही है, ये तो हर बंदे की अपनी अपनी वो होती है।
एक्सक्यूज मी सर जी बोले सर, अक्सर आप वर्ड यूज कर रहे थे नीश का, अच्छा तो सर सर ये क्या चीज है? नीश बेसिकली ये है कि मींस के जब आप फॉर एग्जांपल आपने जो है वो जब आप एक ही तरह की कोई मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो यूज जो है वो लॉन्च कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि आप एक नीश के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो मैंने एक उठाया है पेन उठाया है मैंने, सही है, तो मैं जो है वो क्या कर रहा हूँ उसके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो एक वाइट कलर वाला पेन, फिर ब्लू कलर वाला पेन, पिंक जो है वो रेड कलर वाला पेन, सही है, इस तरीके के ये जो पेन जो है मैं लॉन्च करता जा रहा हूँ। वेरिएशन सर, ये तो वेरिएशन जो आप उसके अंदर डिफरेंट जब आप जा रहे होते हैं उसको आप ठीक बोलते हैं। सर इनको हम वेरिएशन से बोलते हैं सर, क्योंकि हमारे पास जो कलर और साइज कलर में डिफरेंस है सर, वेरिएशन हो गई हमारी, तो ये शायद सेम है वेरिएशन। देखिए जो है वो एक तो अब जिस तरीके से जो है वो रिसेंटली हमने एक यहाँ पर सेलर ओपन किया हुआ था जो कि डिफरेंट टाइप्स की डस्टबिन बेची जा रहा था, सही है, तो वो क्या था कि एक डस्टबिन की जो है वो नीच में बैठा हुआ था, मीन्स कि हर एक जिस तरीके की भी आपने डस्टबिन लेनी है वो उसके पास पड़ी हुई है, सही है, तो वो एक डस्टबिन की नीच में था, सही है। वेरिएशन जो है वो विद इन द पेज होती है, सही है, कि मीन्स आप उसके डिफरेंट साइज या कलर वगैरह ऑफर कर रहे होते हैं, बट उसी से मिलती जुलती जो आप चीज़ें जो है वो जो बना दे रहे होते हैं, सही है। आप जिस तरीके से जो है वो एक बारबेक्यू की एक नीच है, सही है, बारबेक्यू में आप देखते हैं कि ग्रिल भी यूज़ होती है, ग्रिल ब्रश भी यूज़ होता है, सही है, और इसके साथ जो है वो जो इसमें आप यूज मिलेंगे जो है वो और भी जो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो यूज़ होती हैं, सही है, वो ग्रिल करने के लिए जो एक स्टैंड होता है वो भी यूज़ होता है। तो आपने क्या किया, आप जो है वो जब आपने सारी जो प्रोडक्ट्स एक ही दफ़ा आप लॉन्च कर देंगे तो हम उसको ये कह सकेंगे कि ये जो सेलर है वो बेसिकली बारबेक्यू की नीच में काम कर रहा है, सही है, तो ये इसको कहते हैं। राइट सर, थैंक यू सर।